लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। वेशभूषा नाम बदलकर फरारी काट रहा था हत्या का आरोपी, 2 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा सिरोही। खाम्बल स्थित राम रंगधाम आश्रम में हमला कर भाविक की हत्या करने और महंत समेत 9 भाविकों से मारपीट कर नकदी जेवरात लूटने के प्रकरण में फरारी काट रहे आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने करीब 2 साल बाद शनिवार को गिरफ्तार किया। आरोपी नाम और पते बदलकर 2 साल से इधर उधर घूमते हुए मजदूरी कर फरारी काटता रहा। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए परिजनों से भी संपर्क तोड़ लिया, लेकिन आखिरकार पुलिस के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच गए। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी को करीब 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष गिरफ्तारी अभियान के तहत डीएसपी विक्रम सिंह के सुपरविजन में थाना प्रभारी आनंद कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक शैतान सिंह, कांस्टेबल नारायण लाल सीताराम को शामिल करते हुए टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस टीम ने 8 अगस्त 2016 को खाम्बल के रंगधाम आश्रम में हमला कर हत्या व लूट करने के प्रकरण में फरार गुड़ा बोरली मांडवा जिला उदयपुर निवासी रावया पुत्र धर्मागमेत को गिरफ्तार किया गया है। गांव छोड़ दूसरी जगह रहने लगा आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए हर संभव प्रयास किए। ऐसे में उसने गांव को छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर रहवास करना शुरू कर दिया। इसके लिए खुद का नाम व पता तक बदल लिया और विछीवाड़ा ऋषभदेव में रहने लगा। यह था मामला। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2016 को खाम्बल के रंगधाम आश्रम में हथियारों से लैस अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया था। इस दौरान अंदरूनी चोटें लगने से कन्हैया लाल प्रजापत का दम टूट गया था। वहीं राम रंगधाम के महंत सूरदास समेत 9 भाविक घायल हो गए। करीब 1.5 घंटे तक बदमाशों ने आश्रम में आतंक मचाए रखा था और इसके बाद हजारों रुपए की नकदी, भाविकों के पहने हुए जेवरात, मोबाइल आदि सामान ले गए थे। इनका कहना है, हत्या व डकैती के प्रकरण में फरार आरोपी को करीब 2 साल बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी नाम वेशभूषा बदल कर फरारी काट रहा था। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आनंद कुमार थाना प्रभारी कोतवाली सिरोही परिजनों से भी तोड़ दिया था संपर्क। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने परिजनों से भी नाता तोड़ लिया था। वहीं रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं साधा और 2 साल तक फरारी काटता रहा। इस दौरान इधर उधर मजदूरी कर जीवन यापन करता रहा।